देह के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हमारी टीम नागौर के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे हम नागौर की ओर बढ़ते चले गए, वैसे वैसे हमने देखा कि राजस्थान का ये इलाका संपन्न होकर आधुनिकता से परिपूर्ण हो गया है, जहां सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। नागौर शहर काफी बड़ा है, इसके बावजूद शहर के भीतर सकरी गलियां हैं जो इस शहर की पहचान है। नागौर की भूमि में अनेक मुनि और आर्यकाओं ने जन्म लिया। इस शहर में पहुंचने के बाद हमें काफी आनंद का अनुभव हुआ। आइए जानते हैं नागौर के जैन मंदिरों के बारे में। नागौर में तीन बड़े जैन मंदिर, दो नसिया और एक चैत्यालय है। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची विश्व के इकलौते और अनूठे जैन मंदिर, जो 16.5 पंथी आमनाओं के कारण जाना जाता है। विभिन्न देशों के जैन मंदिरों के दर्शन के बाद अब मैं पहुंच चुकी हूँ राजस्थान के नागौर में, जहां है अद्भुत 16.5 पंथी मंदिर। ये मंदिर देश के कहीं भी नहीं है, तो चलिए दर्शन करते हैं इस अद्भुत 16.5 पंथी मंदिर के और साथ में अन्य जैन मंदिरों के। इस मंदिर का नाम है खंडेलवाल आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर। इस मंदिर में मूल नायक भगवान आदिनाथ की पद्मासन मुद्रा में अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। 13 पंथ और 20 पंथ के आमनाओं को मिलाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निचले तल्ले में एक वेदी विराजमान है, जिसमें शांतिनाथ की प्रतिमा विराजित है। मंदिर के बाहर एक विशाल मान स्तंभ भी निर्मित किया गया है। मंदिर के ऊपर भव्य शिखर भी निर्मित है। यहीं पर आर्य का विमलमती माता जी की भी समाधि स्थल है। जैन मंदिर दर्शन कार्यक्रम में मैं देश के विभिन्न जैन मंदिरों का दर्शन करी, पर जब नागौर में आई तो यहाँ पे देखी कि यहाँ 16.5 पंथी मंदिर है। इसका कारण क्या है? शायद 100 साल पहले हमारे यहाँ के नागरिकों में, हमारे श्रावकों में यह दिमाग में रहा होगा कि हर जगह पंथ को लेकर किसी न किसी तरह की जो है आपसी समाज में ही तकरार होती रहती है, और यहाँ जो किसी के विचार में आया होगा कि इन झगड़ों को ख़त्म करके हम एक ऐसा मंदिर बनाएं जिसमें 13 पंथ 20 पंथ सभी पंथ को मानने वाले आएं, पूजा करें, अपनी प्रार्थना करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 पंथ और 13 पंथ दोनों को जोड़ के उन्होंने आधा किया और 16.5 पंथ मंदिर का निर्माण हुआ। जो 13 पंथ के हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पूजा करते हैं, और जो 20 पंथी के हिसाब से पूजा करने वाले हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। और इसलिए ये मंदिर एक अनोखा मंदिर है, अपने आप में अलग से विशेषता रखता है। 16.5 पंथी होने के कारण यह मंदिर जहाँ विश्व में काफी चर्चित है, वहीं इस मंदिर का निर्माण काफी भव्य रूप से किया गया। मंदिर की आंतरिक साज सज्जा कांच के खूबसूरत रंगीन टुकड़ों से की गई है।